मौसी जो आई थी हमारे घर पर उन्होंने भेजा और इतने बड़े बड़े आम। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार पहलाक, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो मेरे सामने कुछ ऐसा मौसम हो रहा है आज, और शिमला मसूरी लोग बाग ऐसे मौसम के लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसा मौसम मेरे घर के पास दिखाई दे रहा है। और माँ ने हमेशा की तरह भैंसों को बाहर बांध दिया है, और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और बने रहे हैं आप पूरी वीडियो में। अब मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा हूँ, और आज ब्रेकफास्ट में बैंगन बनाएंगे। जी बैंगन, तो काफी सारे हुए हैं यहाँ नीचे, और मैं घर नीचे वाले घर के पास लगाया हुआ है ये बैंगन। तो यहाँ पर अच्छे खासे बैंगन हो रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ों में बारिश का मौसम कुछ ऐसे बनता है, और अभी जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ मेरे घर के पास, वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है। और पार गांव में ये देखिए, यहाँ पर कुछ बारिश दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ से हटके यहाँ पर नहीं है, और फिर यहाँ से हटके यहाँ को बिल्कुल भयंकर वाली बारिश। तो अलग अलग हिस्से में बारिश होती है पहाड़ों में, तो कुछ ऐसा है। तो ये वाले हिस्से में अभी बारिश हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है, फिर यहाँ पर छोड़कर सारा इस इलाके में यहाँ तक हो रही है, फिर यहाँ से ऊपर को हमारी तरफ नहीं हो रही है। और आप लोगों को पता है, जो हम लोग नया बीज रखते हैं आगे की फसल के लिए, वो कुछ इस प्रकार से लटकाया जाता है, क्योंकि लहसुन में कीड़े भी पड़ने लग जाते हैं, और कीड़े से बचने के लिए कुछ ऐसे हमने बाहर पर लटकाए हैं। धूप, पानी और मॉइस्चर भी मिलता रहेगा, तो लहसुन बिल्कुल सड़ेगा नहीं। तो ऐसे करके यहाँ पर कुछ यहाँ पर लटकाए हैं, और ये है धुंगार का बीज, और ये फिर से लहसुन है, और इतना ही कम है क्योंकि बीज थोड़ा सा ही रखा है, और इसलिए ये यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लटका रखे हैं। ये आम की टोकरी और काफी दूर से आई है, और ये मौसी जो आई थी हमारे घर पर उन्होंने भेज रखे हैं, और इतने बड़े बड़े आम के दाने हैं। तो यहाँ पर नहीं होता तो उन्होंने हमारे लिए आम, ढेर सारे आम भेज रखे हैं, और टेस्ट करके अभी बताएंगे कि कैसे लगे। और मौसी को थैंक यू, और मौसी ने आम के साथ साथ अचार भी भेज रखे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आम न होने के कारण मौसी ने वहीं से आम का अचार भी बना के हम लोगों के लिए भेज रखा है। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मौसी,
ऐसे ही बेचते रहो और हम ऐसे ही खाते रहें। और ये है अचार का डब्बा, आम का अचार, और मैं आप लोगों को तो ये कुछ ऐसा है। तो मौसी घर पर ही बनाती है, तो उन्होंने हमारे लिए ये आम और अचार दोनों भेज रखे हैं। तो माँ ने लंच बनाकर रेडी कर दिया है, तो आज का लंच कुछ ऐसा है। तो अब मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ ने घास काट कर रख दी है और मौसम तो वैसा का वैसा है। मम्मी चली गई थी घास लेने, तो अब मुझे बुलाया है और मैं लेके आता हूँ घास। और थोड़ी सी बारिश कम हो रखी है, तो माँ ने मुझे तुरंत आने के लिए बोल रखा है, तुरंत दौड़ भाग करके। तो हम फटाफट चलते हैं। तो हम घास लेने गए थे और ये दोनों घर की रखवाली कर रहे थे। तो लंच वंच करके ये लोग इतने मस्त तरीके से सोए हैं। और गद्दी डॉग को हमेशा बड़ा स्पेस चाहिए होता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये है ही नहीं। और रात को आप लोग भी देखो, इसको देखो, ये यहाँ से वफादारी कर रहा है। ये क्या देखा तूने अबड़े मुड़ो, क्या देखा है? चलो अंदर, जो गिरेगा। हाँ है, हाँ यहाँ से ये इस पूरे इलाके की रखवाली कर रहा है अभी।